हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर, जो कि बन चुकी है कार्तिक आर्यन के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, वन ऑफ द हायर ओपनर फिल्म, जिसमें आपको कार्तिक के अलावा नज़र आ रही हैं जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और विद्या बालन। वहीं बात की जाए फिल्म को लेकर, तो फिल्म की स्टोरी एक बार फिर से काफ़ी हटके है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं बात करी जाए इस फिल्म के एडवांस की, तो आपको भी जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म ने भूल भुलैया 2 की ओपनिंग के बराबर तो एडवांस हासिल की थी अपने पहले दिन के लिए। वहीं बात करूँ इस फिल्म के एस्टिमेटेड कलेक्शन की, तो ये फिल्म आज अपने पहले दिन 35 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर रही है इंडियन नेट बुक्स ऑफिस पर। इंडिया का उस कलेक्शन आ रहा है 40 करोड़ रुपए, तो वहीं पर फिल्म ओवरसीज़ मार्केट में भी 15 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करते हुए नज़र आ रही है। यानी कि इस फिल्म का पहले दिन का ओवरऑल कलेक्शन आ रहा है लगभग से लगभग 55 करोड़ की रेंज में, और इसका जो बजट है वो है 150 करोड़। ये फिल्म अपने पहले ही वीकेंड में बजट को रिकवर करते हुए हिट का वर्डिक्ट अपने नाम करने वाली है। वहीं बात करूँ मैं फिल्म के सेकेंड डे की कल के एडवांस को लेकर, तो कल के लिए भी ये फिल्म अभी तक लगभग से लगभग 8 करोड़ की एडवांस अपने नाम कर चुकी है। ये बात तो कन्फर्म है कि ये फिल्म कार्तिक आर्यन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो हायर ओपनर रही है कार्तिक आर्यन के लिए वो थी भूल भुलैया 2 14 करोड़ के साथ में। वहीं अब बनने जा रही है भूल भुलैया 3 55 करोड़ के साथ में। फिर आपको क्या लगता है, भूल भुलैया 3 हिट होगी या एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर? क्या ये फिल्म वाकई स्त्री 2 के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकती है? क्या ये फिल्म टक्कर देगी संगम 3 को? आपकी राय, आपकी ओपिनियन कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।